हेलो हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप लोगों को कॉम्पिटिटिव रोहित पर। आज हम लोग पढ़ने वाले मिसिंग नंबर लूप संख्या ज्ञात करना। तो ताकि आप लोग सामने पहला क्वेश्चन है, आप लोग बोर्ड पर ध्यान दीजिए, ठीक दोस्तों। तो मिसिंग नंबर करने से पहले आप लोगों को कुछ चीज़ें याद रहना चाहिए दोस्तों, ताकि आप लोगों को सही तरफ से मैक्सिमम आप लोगों को स्क्वायर या क्यूब याद होना चाहिए, और आप लोगों को सब सही तरफ से आप लोगों को पहाड़ा और आप लोगों को मल्टीप्लाई डिवाइड सबट्रैक्ट एडिशन करना आना चाहिए। तो आप लोग सामने पहला क्वेश्चन है, आप लोग करना देखना। तो देखना आप लोगों को रो कलम देखना या कलम वाइज देखना। तो कलम वाइज देखूँ तो कितना होगा, 221 120। तो उस तरफ से दोनों बन के कुछ बनेगा कि दोनों 122 223 टू क्वेश्चन मार्क 543। तो अगले सामने ऑप्शन भी दिया है आप लोग सामने 20 40 30 50। तो उसमें कुछ बन के उस बनेगा या उसमें बनेगा, देखना आप लोग को कुछ मल्टीप्लाई या सबट्रैक्ट चलेगा, देखना कि एडिशन होगा। तो देखना आप लोग को मैं 21 प्लस मैं 1 करूँ तो कितना बनेगा, तो 22 बनेगा ना दोस्तों, बनेगा। और 22 माइनस मैं 2 करूँ तो कितना बनेगा, 20 बनेगा ना दोस्तों। तो कुछ लॉजिक बनना दोस्तों, उसमें आप लोग प्लस करना, उसमें आप लोग प्लस करके उसमें आप लोग क्या करना, आप लोग माइनस करना, एडिशन करना, ठीक दोस्तों। तो सबट्रैक्ट तो करना, तो देखना आप लोग क्या करना पहले, तो उसके पास उसको उस तरह लॉजिक लगा देखना। तो पहले क्या करना आप लोगों को, दोनों को ऐड करना। तो दोनों को ऐड करो कितना होगा, 22 प्लस 2 करना, 22 प्लस 2 करो तो कितना बनेगा, 22 प्लस 2 करो तो कितना, 24 बनेगा ना, बनेगा। तो उस आप लोग क्या करना, 24 माइनस क्या करना आप लोगों को, 1 माइनस कर देना, 1 माइनस को कितना बनेगा, 23 बनेगा ना दोस्तों। उस संख्या जिस संख्या ऊपर में उसको माइनस करना, तो बन रहा है दोस्तों कुछ, उसमें भी ऐसा लगा के देखना, ठीक दोस्तों। तो क्या करना आप लोगों को, दोनों प्लस था ना दोस्तों, तो क्या, तो आप लोग करना क्या देखना, ठीक दोस्तों, उस तरफ को तो आप लोग करना ही देखना। तो क्या करना आप लोग को पहले, तो एक्स प्लस फाइव करना, एक्स प्लस फाइव होगा ना, तो उसमें प्लस करना उसको कितना, तो उसके बाद क्या होगा, तो क्या होगा, माइनस टू करना, माइनस टू करना पड़ेगा ना दोस्तों, करना पड़ेगा। बराबर कितना दिया है, 43 दिया है, कितना दिया, 43 दिया है। तो आप लोग करना देखना, तो एक्स प्लस फाइव तो बराबर उसमें माइनस में है, उसको उधर जाए क्या होगा, प्लस होगा ना दोस्तों, उधर जाके क्या होगा, प्लस होगा ना दोस्तों, तो प्लस टू। तो x प्लस फाइव बराबर कितना होगा, 45 होगा, नहीं होगा, होगा। तो x का आप लोग पता करना, तो x का पता करने क्या करना पड़ेगा, उसमें प्लस में उधर जाए क्या होगा, माइनस होगा। तो 45 माइनस फाइव बोलो कितना होगा, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 40 आप लोग आंसर होगा। तो कितना होगा, अब x का वैल्यू कितना होगा, 40 आप लोग आंसर, ऑप्शन वन पर, ऑप्शन टू पर आप लोग आंसर है। तो इस तरफ से आप लोग क्वेश्चन करना, ठीक दोस्तों। तो आप लोग सेकंड क्वेश्चन ला रहा हूँ दोस्तों, आप लोग बोर्ड पर फोकस कीजिए। तो अगले साल सेकंड क्वेश्चन है, तो ठीक है दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन आप लोगों को देखना। तो सेकंड क्वेश्चन 5 2 8 40 5 4 3 30 1 2 10 क्वेश्चन मार्क। तो आप लोग क्वेश्चन मार्क क्या होगा पता करना। तो आप लोग ऑप्शन भी दिया है 20 15 10 12। तो उस तरफ कुछ बन के उसमें बनेगा क्या, उसमें कुछ बनेगा बनेगा, ठीक दोस्तों। उसमें मल्टीप्लाई या सबट्रैक्ट लगेगा, आप लोगों को सही तरफ से देखना, ठीक है दोस्तों। तो देख करके देखना आप लोगों को, तो 5 मैं 2 करूँ कितना बनेगा, 10 बनेगा ना दोस्तों। तो 5 × 10 कितना बनेगा, 10 बनेगा, तो 10 बन रहा है। तो 10 × मैं 8 करूँ तो कितना बनेगा, 80 बनेगा दोस्तों, कितना बन रहा है, 80 बन रहा है दोस्तों, 80 बन रहा। तो उसमें 40 में मुझे लाना है, 40 क्या करना आप लोगों को, 40 लाना। तो क्या करना आप लोगों को, मैं 80 को मैं 2 से जब डिवाइड करूँ कितना बार कटेगा, कितना बार कटेगा, 40 बार कटेगा, कटेगा कटेगा। तो कुछ बन रहा है दोस्तों, उसमें वैसा लगे लगा देखना, ठीक दोस्तों। तभी तो आप लोग कंडीशन सेटिस्फाई होगा, 40 आप लोग सही तरफ से आप लोग हो रहा है कि पता चलेगा, ठीक दोस्तों। तो 5 × 4 कितना होगा, 5 × 4 कितना, 20 और कितना होगा, 20 कितना होगा, 20 × कितना करना, 3 करना, तो कितना होगा, 60 होगा कि नहीं होगा, होगा 60, कितना, चाहे 5 चाहे कूड़े कूड़े दें, 60 होगा कि नहीं होगा, होगा 60 हो रहा। तो मैं 60 को मैं 2 से डिवाइड करूँ कितना बार कटेगा, 2 से जब डिवाइड करूँ कितना बार, 30 बार कटेगा नहीं कटेगा, कटेगा 30 हो रहा है दोस्तों, उसमें मैं ऐसा लगेगा 100% लगेगा। तो देख के करके देखना, ठीक दोस्तों। 2 × 1 करना, 2 × 1 कितना, 1 होता है, और इंटू कितना करना, 10 करना, तो कितना होगा, 20 होगा कि नहीं होगा, होगा होगा ना दोस्तों, होगा। तो अब लोग 20 की क्या करना, 2 से डिवाइड करना, 2 से जब डिवाइड करके कितना बार कटेगा, 10 बार कटेगा। तो आप लोग आंसर कितना होगा, 10 आप लोग आंसर हो गया, ऑप्शन 3 पर आप लोग आंसर। तो इस तरफ से आप लोग क्वेश्चन करना, ठीक दोस्तों। तो ताकि आप तीन नंबर क्वेश्चन ला रहे दोस्तों, आप लोग बोर्ड पर फोकस कीजिए। तो अगला थर्ड नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन आप लोग देखना, ठीक दोस्तों। थर्ड नंबर क्वेश्चन 13 2 4 30 15 4 5 65 12 5 8 क्वेश्चन में। तो आप लोग क्वेश्चन में जाओ, क्या करना पता करना। तो आप ऑप्शन में दिया 29 45 68 32।
तो अब लोग करना देखना उसमें कुछ रिलेशन बने, कुछ रोल कॉलम चलेगा या कॉलम वाइज चलेगा, उसमें देखना और कॉलम वाइज करके देखना। ठीक दोस्तों, तो कॉलम वाइज देखना क्या करना, तो उसमें कुछ बन रहा है तो उसमें देखो कि उसमें 13 × 2 करो कितना बनेगा, 26 बनेगा दोस्तों। देखना और करके देखना 13 × 2 करो कितना बनेगा, 26 बनेगा दोस्तों। तो 26 में कौन सा संख्या में ऐड करूँगी ताकि 30 बन जाए, तो 26 प्लस में 4 करो तो कितना बनेगा, 30 बनेगा दोस्तों। कुछ लॉजिक बन रहा है दोस्तों, उसमें भी ऐसा लॉजिक लगा देखना ना, तो उसमें ऐसा करके देखना। तो 15 प्लस में 4 करो, 15 प्लस 4 करो कितना बनेगा, 60 बनेगा दोस्तों, बनेगा। और मैं जब 60 के साथ में 5 ऐड करूँ उस संख्या ऐड करना, तो प्लस 5 करो कितना बनेगा, तो 65 बनेगा दोस्तों। तो कुछ लॉजिक बन रहा दोस्तों, उसमें भी ऐसा करके देखना। तो 15 कितना, 12 × मैं 5 करूँ, 12 × 5 करूँ तो कितना बनेगा, तो 60 बनेगा दोस्तों। कितना, 12×5=60 होता है दोस्तों, होता है। तो 60 प्लस में 8 करूँ तो कितना बनेगा, 68 बनेगा दोस्तों, बन रहा है। तो अब लोग आंसर कितना हो जाए, 68 अब लोग आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 3 पर अब लोग आंसर। तो इस तरफ से अब लोग क्वेश्चन करना, ठीक दोस्तों। तो ताकि आप सामने 4 नंबर क्वेश्चन ला रहे हैं दोस्तों, अब लोग बोर्ड पर फोकस कीजिए। तो 4 नंबर क्वेश्चन, ठीक दोस्तों, 4 नंबर क्वेश्चन अब लोग करना ही देखना, ठीक दोस्तों। 4 नंबर क्वेश्चन अब लोग सामने, तो देखना 4 2 1 21 5 3 8 98 6 7 3 क्वेश्चन मार्क। तो ऑप्शन भी दिया है 69 49 98 94। तो अब लोग करना ही देखना इस तरह क्वेश्चन को, उसमें कुछ देखना आप लोगों को, उसमें कुछ रिलेशन बन रहा है, तो उसमें मल्टीप्लाई या स्क्वायर चलेगा, देखना मल्टीप्लाई या स्क्वायर करके देखना। तो देखो इसमें 4 होगा, 4 करो, 4 × 2 करो कितना बनेगा, 4 × 2 करो 8 बन रहा है, 8 × 1 करो कितना बनेगा, 8 बनेगा। तो कुछ बन रहा है, तो उसमें देखना, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है दोस्तों। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है दोस्तों, 4 होता है। और 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। जब उसमें मैं ऐड करूँ तो कितना बनेगा, तो उसमें जब ऐड करूँ तो कितना बनेगा, उसको ऐड करके कितना बनेगा, 21 बनेगा दोस्तों। तो 16 प्लस 4 करके कितना, 20 प्लस 1 करके कितना बनेगा, तो 21 बनेगा दोस्तों, बन रहा है। तो कुछ लॉजिक बन रहा है, उसमें ऐसा कर देखना। तो 5 का स्क्वायर करना कितना, 5 का स्क्वायर कितना, 25। और 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर 9। और 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर कितना, 64 होता है दोस्तों, 64 होता है। तो जब उसमें ऐड करके कितना बनेगा, जब उसमें ऐड करके कितना बनेगा, 9 × 5 = 14, 14 × 4 = 18 होता है दोस्तों, 18 हो रहा है, हासिल हुआ। तो कितना बचा, 6 × 3 = 9, 6 × 3 = 9 होगा, 98 हो रहा है दोस्तों, हो रहा है। तो कुछ लॉजिक बना दोस्तों, उसमें ऐसा लॉजिक लगा देखना। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 का स्क्वायर आप लोग करना 36। और 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है दोस्तों, होता है। और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है दोस्तों, 9 हो रहा है। तो उसमें जब ऐड करो कितना बनेगा, 9 × 9 = 18, 18 × 4 = 22, 24 हो रहा है दोस्तों, 24 हो रहा है, 24 हासिल 2 कितना बनेगा, 4 × 3 = 7, 7 × 9। तो कितना अब लोग आंसर होगा, 94 अब लोग आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 4 पर अब लोग आंसर। तो इस तरफ से अब लोग क्वेश्चन करना। तो जब तक अब लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तब तक आप लोग इस तरफ से कर नहीं पाओगे दोस्तों। जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब आप मैक्सिमम आप लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो भी फिर आप लोग मिसिंग नंबर कर पाओगे। नहीं तो आप लोग को फिर एक दो बार कर दोगे, फिर भूल जाओगे, कुछ फ़ायदा नहीं रहेगा दोस्तों उसमें। इसीलिए आप लोग को मैक्सिमम से आप लोग प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फिर आप लोग मिसिंग नंबर कर पाओगे। उसमें और भी उसमें कुछ लॉजिक भी नहीं दोस्तों, उसमें आप लोग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी तो ये आप लोग याद रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो और सामने आप 5 नंबर क्वेश्चन ला रहे हैं दोस्तों, आप लोग बोर्ड पर फोकस कीजिए। तो और सामने 5 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग करना है देखना, ठीक दोस्तों। तो देखना आप लोग को 9 4 1 6 36 16 9 13। तो कुछ आप लोग को देखना 25 9 4 क्वेश्चन में, अब उसमें ऑप्शन में 10 8 6 12। तो आप लोग देखना उसमें कुछ बन रहा है, तो उसमें 9 4 3 9 4 1 बन के कुछ 6 बनेगा, और 36 16 9 बन के कुछ 13 बनेगा, और 5 25 9 4 बन के कुछ बनेगा। तो देखना आप लोग करना ही देखना, तो कुछ आप लोग को देखना उसमें स्क्वायर चलेगा, स्क्वायर करके आप लोग कुछ बन रहे बनेगा, ठीक दोस्तों। तो जब स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर 9 बन रहा है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो देखना आप लोग को 3 का स्क्वायर करके देखना, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 हो रहा है दोस्तों। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है दोस्तों। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक दोस्तों। तो जब उसमें ऐड करते हैं कितना बनेगा, तो उसको ऐड करना ठीक दोस्तों। उसको जब ऐड करते हैं कितना बनेगा, 3 + 2 + 1 करो कितना बनेगा, 6 बनेगा दोस्तों, बन रहा है। कुछ बन रहा है दोस्तों, 6 बन रहा है दोस्तों।
तो उसमें वैसा लॉजिक देख देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो सिक्स का स्क्वायर करना, सिक्स का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है दोस्तों, होता है। और फोर का स्क्वायर कितना होता है, फोर का स्क्वायर 16 होता है दोस्तों, होता है। तो थ्री का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, थ्री का स्क्वायर कितना होता है 9 हो रहा है दोस्तों, 9 हो रहा है दोस्तों। उसमें जब ऐड करो तो कितना बनेगा, उसको ऐड कर देना, तो कितना 6 3 9 9 3 को कितना 6 4 10 10 3 को कितना होता है 13 हो रहा है, 13 बना दोस्तों, कुछ लॉजिक बना दो, लॉजिक सेटिस्फाई हो रहा है, उसमें भी पक्का पक्का ऐसा होगा 100% लगा के देखना, ठीक दोस्तों। तो फाइव का कितना, फाइव का स्क्वायर कितना 25 होता है दोस्तों, 25। और थ्री का स्क्वायर कितना होता है, थ्री का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है दोस्तों। और टू का स्क्वायर कितना होता है, टू का स्क्वायर कितना होता है, टू का स्क्वायर 4 होता है दोस्तों, हो रहा है। तो उसको आप लोग को ऐड करना, ठीक दोस्तों, उसको ऐड करके कितना बनेगा 5 3 8 8 10। तो आप लोग आंसर कितना होगा 10, आप लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 पर आप लोग आंसर है। तो इस तरफ से आप लोग क्वेश्चन करना, ठीक दोस्तों, ताकि आप लोग 6 नंबर क्वेश्चन ला रहा हूँ दोस्तों, आप लोग बोर्ड पर फोकस कीजिए। तो आप लोग 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग करना है, ठीक दोस्तों। 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग सामने, तो देखना आप लोग 2 1 3 36 4 2 1 0 4 3 91। तो आप लोग ऑप्शन में 43 53 73 63, तो आप लोग करना ही देखना, ठीक दोस्तों। उसमें आप लोग को देखना, उसमें मल्टीप्लाई कर देखना तो कितना बनेगा, 2 3 6 6 का स्क्वायर कितना 36 हो रहा, तो देख करके देखना, ठीक दोस्तों। तो कितना 2 × 2 × 3 2 × 1 × 3, तो कितना कितना होगा 2 3 6 6 हो रहा है, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 का स्क्वायर 36 हो रहा है दोस्तों। उसमें वैसा लॉजिक लगा देखना, तो 4 × 2 करना तो कितना 8 बन रहा, तो 8 का स्क्वायर कितना 64 हो रहा है दोस्तों, 64 हो रहा है। उसमें ऐसा लॉजिक लगा देखना कितना होगा 7 × 73 करो कितना होगा, 4 × 3 कितना होगा, 4 × 3 करो कितना 12 बन रहा है, तो 12 का स्क्वायर तो 144 होता है। तो कुछ लॉजिक नहीं माना दोस्तों, उसमें कुछ लॉजिक नहीं माना। तो अगर अलग कुछ उसमें क्यूब या स्क्वायर चलेगा देखना, इसमें आप करके देखना, क्यूब करके देखना। मैं 2 का स्क्वायर करूँ, 2 का क्यूब करके कितना बनेगा, 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है दोस्तों, 8 हो रहा। तो 1 का क्यूब कितना होता है, 1 का क्यूब 1 ही होता है, ठीक दोस्तों, 1 का क्यूब 1 ही होता है। और कितना 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है, कितना होता है 27 होता है। जब उसमें ऐड करो कितना बनेगा, तो कितना बनेगा 8 8 16 हो रहा है दोस्तों, दोस्तों हो रहा है 36 बनेगा दोस्तों, बन रहा है। तो कुछ लॉजिक बनेगा दोस्तों, उसमें ऐड कर देखना, ठीक दोस्तों। उसको ऐड कर, उसको ऐड किया तो उसमें भी करके देखना, तो 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है दोस्तों, होता है ना दोस्तों। दोस्तों 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब 8 होता है ना दोस्तों, कितना 2 का क्यूब 8 होता है ना दोस्तों, होता है। तो 1 का क्यूब कितना होता है, 1 का क्यूब 1 ही होता है, 1 का क्यूब 1 ही होता है। तो जब उसमें ऐड कर कितना 8 4 12 12 13, तो कितना होगा, तो 73 हो रहा है दोस्तों। उसमें ऐसा लॉजिक लगेगा तो 91 आएगा, तो आप लोग आंसर 73 होगा। तो करके देखना, ठीक दोस्तों, जब उस पर करोगे कितना होगा, 0 का क्यूब 0 ही होता है, ठीक दोस्तों। 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब 64 होता है। 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है। तो जब उसे ऐड करोगे कितना बनेगा, तो जब उसे ऐड करोगे 7 4 11 6 3 9, तो 91 बन रहा है दोस्तों, लॉजिक सेटिस्फाई हो रहा है। तो आप लोग आंसर कितना होगा 73, आप लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन 3 पर आप लोग आंसर है। तो इस तरफ से आप लोग क्वेश्चन सोचना है दोस्तों, इतने डिटेल्स में लिखने का कोई भी नहीं लिखता है दोस्तों, इसीलिए आप लोग बार में डिटेल्स में लिखना पड़ता है, ताकि आप लोग को प्रॉपर पता चले। अब लोग कॉपी में लिख सकते हो, इसी वजह से मैं आप लोग इतना लिखना पड़ता है, नहीं तो मुझे भी पता है कि 0 का स्क्वायर 0 होता है, इतने इसमें लिख देता हूँ, ठीक दोस्तों, ताकि आप लोग प्रॉपर पता चले, इसी वजह से मैं आप लोग को इतना लिखना पड़ता है दोस्तों। और आप लोग को समझ, आप लोग कॉपी पेन लेके बैठना और आप लोग इसमें लिखना, नहीं तो आप लोग फिर गलती होने का चांस बहुत रहेगा, ठीक दोस्तों। क्योंकि ना जब तक आप लोग नहीं लिखोगे तब तक आप लोग देखते रह जाना, ठीक दोस्तों। फिर आप लोग सामने 7 नंबर क्वेश्चन लाना दोस्तों, आप लोग बोर्ड पर फोकस कीजिए। तो सामने 7 नंबर क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन आप लोग करना देना, 7 नंबर क्वेश्चन आप लोग करना देना। 6 8 3 51 15 4 5 65 25 20 क्वेश्चन में, तो अब ऑप्शन भी देगा 110 130 120 140, तो अब लोग करना ही देना, ठीक दोस्तों। तो अब लोग देखना उसमें कुछ मल्टीप्लाई चलेगा, तो उसमें जब मल्टीप्लाई करो कितना बनेगा, 6 8 या कितना होता है 48 होता है, 48 प्लस 3 करो कितना बनेगा 51 बनेगा दोस्तों, बन रहा है। उसमें कितना 15 4 या कितना 60 प्लस में 5 करो कितना बनेगा 65 बना दोस्तों, तो कितना 5 25 या कितना होता है 25 या कितना होता है 25 या कितना होता है 100 प्लस में 120 करो कितना बनेगा 21 बना दो, तो लॉजिक सेटिस्फाई होगा। अब लोग करके देखना, ठीक दोस्तों। तो 6 8 या कितना होता है 48 होता है दोस्तों, और 48 प्लस में 3 करो कितना बनेगा 51 बन रहा है दोस्तों, बन रहा है। उसमें वैसा लॉजिक लगा के देखना, तो 15 प्लस में 4 करो तो कितना बनेगा 60 बनेगा दोस्तों, 15 प्लस 4 करो कितना बनेगा
15 4 होता है दोस्तों, होता है तो 60+ कितना, 60+ में 5 करते कितना बनेगा, 65 बनेगा दोस्तों, बन रहा है तो बन रहा है दोस्तों। उसमें भी ऐसा लॉजिक लगेगा देखना, पक्का पक्का 100% होगा। 60 कितना, 20+ कितना, 25 या कितना होता है, 100 होता है दोस्तों, 100 होता है। और जब मैं 100+ मैं प्लस 20 करूँ तो कितना बनेगा, तो 120 बनेगा दोस्तों। 120 बन रहा है तो आप लोग आंसर कितना 120 होगा, ऑप्शन 3 पर आप लोग आंसर। तो इस तरफ से आप लोग क्वेश्चन करना, ठीक है। कितना टाइम लगेगा, 5 से 10 सेकंड लगेगा। जब आप लोग प्रैक्टिस करो ना तब आप, तो अब तो भी आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि उसमें स्क्वायर चलेगा या क्यूब चल रहा है बोल के, ठीक दोस्तों। और प्रैक्टिस नहीं करो तो नहीं चलेगा दोस्तों, प्रैक्टिस ही आप लोगों का एक ऐसा चीज़ है आप लोग को ऊपर चला जाएगा। नहीं तो आप लोग ऐसे देखते ही रहना इसमें क्या होगा, उसमें मल्टीप्लाई या ऐसा होगा, आप लोग देखते ही रहना, ठीक दोस्तों। तो ऐसा 8 नंबर क्वेश्चन लाना दोस्तों, आप लोग बोर्ड पर फोकस कीजिए। तो और सुना, 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन आप लोग करना है देखना, ठीक दोस्तों। तो 8 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखना, 3 6 12 6 2 20 25 10 2 4 64 क्वेश्चन मार्क। तो अब ऑप्शन 5 7 6 8 तो आप लोग करना है देखना। तो इसमें कुछ, उसमें कुछ क्यूब किया, इसमें मल्टीप्लाई चलेगा, मल्टीप्लाई कर देखना कि बनेगा कि नहीं बनेगा। 3 6 कितना होता है, 18 होता है, 6 3 18 18 4 तो नहीं बन रहा, तो कुछ में कुछ लॉजिक भी नहीं बन रहा। कितना आप देखना, तो मैं उसमें दोनों को ऐड करूँ, 6 प्लस में 12 करूँ कितना बनेगा, 12 6 18 हो रहा है दोस्तों, 18 हो रहा है। मैं 18 को 3 से डिवाइड करूँ कितना बनेगा, 18 को 3 से जब डिवाइड करूँ कितना बनेगा, तो 6 बनेगा दोस्तों। कुछ दिखाई जा रहा ना आप लोगों को, उसमें वैसा कर देखना। तो 20 प्लस मैं 25 करूँ कितना बनेगा, तो 45 बनेगा दोस्तों, 45 बनेगा। तो 45 को दोस्तों जीवन कुछ नहीं बना दोस्तों, उसमें कुछ लॉजिक नहीं लग रहा है, उसमें कुछ लॉजिक नहीं लगता, तो उसमें कुछ दूसरा कुछ लॉजिक लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो करके देखना, तो देखना कि इसमें मल्टीप्लाई कर देखूँ, तो मल्टीपल 3 × 6 करो कितना बनेगा, 3 × 6 करो कितना बनेगा, 3 × 6 कितना, 60 कितना, 18 बन रहा। तो उसमें आप लोग क्या करना, उसमें 12 फिर मल्टीप्लाई करना, तो 1272 क्या कितना होता है, 72 कितना, 216 हो रहा था दोस्तों। 1272 3 कितना होता है, 72 3 कितना होता है, तो आप लोग 216 होगा करके देखना, कितना 216 हो रहा है, 7 3 21 तो 216 हो रहा है दोस्तों, 216 हो रहा है। कुछ आओ दिखाई जाता है दोस्तों, उसमें 216 कुछ दिखाई जाता दे रहा है दोस्तों, उसमें इसमें दिखाई जाता दे रहा है दोस्तों, उसमें कि क्या बन के 216 बनेगा। तो कुछ अब दिखाई देना दोस्तों, उसमें 6 का क्यूब बन के 216 बनेगा। तो आप लोग इससे पता चलना चाहिए, तो उसमें आप लोग मैक्सिमम आप लोग क्यूब याद होना चाहिए, स्क्वायर याद होना चाहिए, तभी तो आप लोग नंबर सेज कर मिसिंग नंबर कर पाओगे, ठीक दोस्तों। इसीलिए मैं आप लोग बार बार कह रहा हूँ, तो करके देखना। तो कितना होगा, तो 6 का क्यूब कितना, 216 होता है ना दोस्तों, होता है। तो उसमें मल्टीप्लाई कर देखना, लॉजिक लगा देखना, 2 × 20 करना, 2 × 20 करके कितना बनेगा, 40 बनेगा। तो उसमें क्या करना आप लोग को, 2 × 20 कितना होगा, 40 बनेगा। तो 40 × 25 करना, तो कितना बनेगा, 1000 बनेगा दोस्तों, बनेगा 1000 बन रहा है। तो इस किसका क्यूब है, ये किसका क्यूब है, 1000 किसका क्यूब है, आप लोग करके देखना, 1000 किसका क्यूब है, ये 10 का क्यूब है। तो कुछ लॉजिक बना दोस्तों, इस किसका क्यूब है, 10 का क्यूब है। तो 10 का क्यूब 1000 हो रहा है दोस्तों, हो रहा है। उसमें भी ऐसा लॉजिक लगेगा 100%। तो आप लोग दो तो टर्म लगेगा ना दोस्तों, अगला 3 टर्म आप लोग कंफर्म लगेगा, ठीक। तो देखना, 2 × 4 करना था कितना बनेगा, 2 × 4 करना था कितना बनेगा, 8 बन रहा है। तो 8 × 64 करना, तो 8 × 64 करना था कितना बनेगा, 64 × 8 करना था कितना बनेगा, देखना आप लोग को कितना बनेगा, 512 बनेगा, नहीं बनेगा, बनेगा कितना, 8 × 32 3 8 48 48 3 51 हो रहा है दोस्तों, हो रहा है। तो कितना बनेगा आप लोग को, 512 बन रहा है। एक 512 किसका क्यूब है, आप लोग पता चलता है ना दोस्तों, ये 512 किसका क्यूब है, आप लोग साफ साफ पता चल रहा है, 512 8 का क्यूब है। तो आप लोग आंसर कितना होगा, 8 आप लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब इस तरह से आप लोग क्वेश्चन करना, ठीक दोस्तों। ऐसे ही देखते ही पता चलना चाहिए कि इसका क्यूब है 512। इसीलिए मैं आप लोग को बार बार कह रहा हूँ, आप लोग पहले आप लोग को क्यूब याद होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर याद होना चाहिए, फिर आप लोग नंबर मिसिंग नंबर कर पाओगे। तो नहीं तो आप लोग 512 किसका क्यूब है, किसका क्यूब देखते ही टाइम चला जाएगा, फिर आप लोग एग्जाम में क्या करोगे, ऐसे ही टाइम चला जाएगा, आप लोग कुछ कर नहीं पाओगे। इसी में मैं आप लोग को बार बार कह रहा हूँ, ताकि आप लोग प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप मैक्सिमम आप लोग को स्क्वायर याद होना चाहिए, आप लोग क्यूब याद होना चाहिए। मैं आप लोग को क्यूब कैसे याद रहेगा, आप लोग स्क्वायर कैसे याद रहेगा आप लोग, मैं वही क्लास भी आप लोग लेंगे, ताकि आप लोग का हेल्प, जब तक आप लोग हेल्प नहीं करोगे तो दोस्तों मैं कैसे आगे बढ़ पाऊंगे, आप लोग के हेल्प की जरूरत है दोस्तों। इसी वजह से मैं आप लोग कह रहा हूँ, आप लोग हेल्प नहीं करोगे तो मैं कैसे आगे बढ़ पाऊंगा, ताकि आप लोग 9 नंबर क्वेश्चन ला रहा हूँ दोस्तों, आप लोग बोर्ड पर फोकस कीजिए, ठीक है।
तो दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन आपको करना ही देना है, ठीक दोस्तों। 9 नंबर क्वेश्चन 3, 6, 12, 6, 2, 20, 25, 15, 9, 8, 64 क्वेश्चन में। तो वो लोग क्वेश्चन में जाकर आपको क्या करना पता करना है, उसमें थोड़ा अलग है, अलग का मतलब देखना वो लोग उसमें कुछ अलग लॉजिक लेके देगा, ठीक दोस्तों। तो करना ही देखना, 3 + 6 करो, 3 + 6 करो कितना बनेगा, 3 + 6 करो कितना बनेगा, 18 से मैं 12 घटाऊँ तो कितना मैं 6 बनेगा दोस्तों। तो करके देखना हम लोग, ठीक दोस्तों। तो 3 × 6 करूँ कितना बनेगा, 3 × 6 कितना बना, 18 बना दोस्तों, 18 बना। तो 18 में से मैं कितना 12 घटाऊँ तो कितना 12 × 6 = 18 होना दोस्तों, 6 बन रहा दोस्तों। तो कुछ लॉजिक बना दो उसमें, वैसा लॉजिक लगा देखना, ठीक दोस्तों। तो करना देखना, 2 × 20 करूँ कितना बनेगा, 40 बनेगा दोस्तों, बन रहा है। तो 40 में जब मैं 25 माइनस करूँ तो 40 माइनस मैं 25 कितना, 25 करूँ तो कितना बनेगा, 15 बनेगा दोस्तों, 15 बन रहा है दोस्तों, बन रहा है कि बन रहा है, बन रहा है। तो लॉजिक सेटिस्फाई हो रहा है, अगला भी ऐसा पक्का पक्का होगा। तो 9 × 8 करूँ कितना, 9 × 8 जा कितना होता है, 72 हो रहा है दोस्तों, होता है कि दोस्तों, होता है, 8, 9, 72 होता है दोस्तों। तो 72 माइनस मैं 64 करूँ, 72 माइनस मैं 64 करूँ तो कितना बनेगा, 8 बनेगा दोस्तों, बन रहा है। तो अगला आंसर कितना होगा, 8 आप लोग करेगा हो जाए ऑप्शन 4 पर अगला आंसर। तो इस तरफ से आप लोग क्वेश्चन करना, ठीक दोस्तों। तो दूसरा वाला क्वेश्चन से पहला थोड़ा ईजी वाला क्वेश्चन है दोस्तों, उसमें थोड़ा अलग, उसमें वैल्यू अलग था, उसमें वैल्यू अलग था, ठीक दोस्तों। तो 10 नंबर क्वेश्चन लगाना दोस्तों, आप लोग बोर्ड पर फोकस कीजिए। तो 10 नंबर क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों, उस सीरीज का 10 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है आप लोग सामने है। तो आप लोग देखना, 24, 6, 2, 1, 144, 36, 12, 6, 384, 6 क्वेश्चन मार्क, 32, 16। तो ऑप्शन में दिया है 96, 86, 74। तो आप लोग करना ही देखना, ठीक दोस्तों। तो उसमें कुछ देखना, तो कितना होगा, 6 × 3 = 12, 12 = 13, 13 उसमें कुछ नहीं बन रहा। तो उसमें करके देखना, उसमें कुछ नहीं बन रहा दोस्तों, उसमें अलग कुछ लग रहा है, ठीक दोस्तों, उसमें अलग लॉजिक लगेगा। तो देखना आप लोग करके देखना, ठीक है। तो उसमें देखो, उसमें ऐसा करके कुछ भी नहीं बनेगा। तो देखो उसमें 6 का स्क्वायर करूँ कितना बनेगा, 36 बनेगा दोस्तों, 36 बनेगा, 36 और मैं 2 का क्यूब करूँ तो कितना, 8 बन रहा है। तो कुछ भी नहीं बन रहा है, उसमें अलग कुछ लॉजिक लगेगा, देखना, ठीक दोस्तों। तो 6 × में तो दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना बनेगा, 6 × 18 होगा, 18 तो 12 कितना, 6 × 2 × 1 करना, तो कितना, 6 × 12 = 12 हो रहा है। तो कुछ 12 में, 12 के साथ मैं 2 मल्टीप्लाई करूँ, 12 के साथ मैं 2 मल्टीप्लाई करूँ तो कितना बनेगा, 24 बन रहा है दोस्तों। तो कुछ लॉजिक बन रहा है, उसमें ऐसा लॉजिक लगेगा तभी तो भी तीसरा कंडीशन में होगा ना दोस्तों। तो करके देखना, ठीक है दोस्तों, 36 × 12 करना तो कितना, 1272 कितना होगा, 1272 7 बचा, 12 × 36 = 36 और कितना, 40 और 3 = 43 हो रहा है, 43 हो रहा है, कुछ नहीं बन रहा, 43 हो रहा है तो ज़्यादा हो जाएगा ना दोस्तों, 43 हो रहा तो कितना, 403 से होगा, नहीं होगा दोस्तों, उसमें कुछ अलग लॉजिक लगेगा, ठीक है दोस्तों। उसमें कुछ नहीं बन रहा है, उसमें अलग डिवाइड या मल्टीप्लाई होगा, देखना इसमें कुछ अलग लगेगा, उसमें डिवाइड कर देखना। तो उसमें देखना, 24 में से कौन सा संख्या डिवाइड करोगे ताकि मैं 4 के साथ डिवाइड कर देखूँ तो कितना बनेगा, 424, 6 बन रहा है। तो उसमें वैसा कर देखना, मैं 6 × 6 / 3 करूँ कितना बनेगा, 6 × 2 करूँ कितना, 2 बनेगा दोस्तों, बन रहा है। और 2 के साथ मैं 2 मल्टीप्लाई, 2 डिवाइड करूँ कितना बनेगा, 2 के साथ 2 डिवाइड करूँ कितना बनेगा, 1 बनेगा दोस्तों। तो कुछ लॉजिक बना दोस्तों, उसमें ऐसा कुछ लॉजिक बना दोस्तों। उसमें दूसरा वैसा चेक करके देखना, 144 डिवाइड कितना करना है आप लोगों को, 4 करना, उसमें 4 के साथ डिवाइड कर तो उसमें 4 से करना पड़ेगा ना दोस्तों, कितना होगा। तो जब उसे काटोगे कितना कटेगा, 4 × 3 = 12 कितना बचा, 2 × 4 = 24 36 बन रहा दोस्तों। कुछ लॉजिक दिखाई नहीं दोस्तों, उसमें वैसा कर देखना कि 36 डिवाइड कितने क्या करना, 3 करना तो कितना, 12 × 3 = 36 = 12 बन रहा दोस्तों। कुछ लॉजिक देखना दिखाई नहीं दोस्तों आप लोग को, उसमें ऐसा कर देखना। तो 12 डिवाइड कितना करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा तभी तो 6 आएगा दोस्तों, 6 आ रहा है दोस्तों। तो कुछ आप लोग लॉजिक दिखाई नहीं दोस्तों, उसमें वैसा करके देखना, ठीक दोस्तों। तो 384 डिवाइड में क्या करूँ, 4 करूँ तो कितना बनेगा, 384 डिवाइड क्या करना पड़ेगा, तो 4 × 36 हो रहा है दोस्तों, कितना बचा, 4 × 36 2 बचा, 424 96 हो रहा है दोस्तों, हो रहा है। तो उसमें वैसे 96 होगा तो उसमें 3 डिवाइड करके देखना, ठीक दोस्तों, तभी तो 32 आएगा, तो तभी को तो कंडीशन सेटिस्फाई होगा, ठीक दोस्तों। तो करके देखना, 3 करो तो कितना बनेगा, बनेगा 3 × 3 = 9, 3 × 6 लॉजिक सेटिस्फाई हो रहा है। अगला भी ऐसा पक्का पक्का होगा, 32
32 डिवाइड में क्या करूँ, 2 करूँ तो कितना कितना 16 आ रहा है दोस्तों, आ रहा है तो आप लोग आंसर कितना होगा 96 आप लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 पर आप लोग आंसर। तो इस तरफ से आप लोग क्वेश्चन करना ठीक दोस्तों। तो आज का क्लास यहाँ पर रखते हैं दोस्तों, ठीक है।